हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस मैथमेटिक्स की दुनिया में। और इस मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या पढ़ने वाले आज हम, जो पीछे का छुट्टा था, क्या प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज में हमने एक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, तो आज शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 में। प्रॉपर्टी नंबर 9 में तीन फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x का, दूसरा फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का है और तीसरा फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का है। आई मीन 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक कॉस इनवर्स फॉर्म में, एक tan इनवर्स फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, 2x upon 1 plus x square। cos inverse में कितना होगा, 1 minus x square upon 1 plus x square। और tan inverse में क्या होगा, 2x upon 1 minus x square। अब अगर आप इनको भूल भी जाएं तो याद रख सकते हैं कि ये जो 2 tan inverse x का फॉर्मूला ये sin inverse में कैसे आया। तो बच्चे इसके प्रूफ के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आप बड़े डिटेल से अच्छे से वर्ड्स क्या क्या लिख रहे हैं वो आप नोट करेंगे, ठीक है, वो अपने लिखेंगे। इसके लिए मैंने साइन इनवर्स में लेकर के जा रहे हैं ना, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लगाया साइन 2 थीटा का। ये पहले का तुम बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया बच्चों टेन की टर्म में। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बच्चे याद होने चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में बनता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर रहे हैं क्योंकि मुझे फॉर्मूला किसका चाहिए, 2 tan इनवर्स x का, तो मैं tan थीटा को पुट कर रहा हूं। पुट tan थीटा इज इक्वल टू x, क्योंकि tan थीटा जब x पुट होगा तभी तो हमें tan इनवर्स x की टर्म मिलेगी। अब यहां चलते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और बच्चे यहां से 2 थीटा इक्वल आ गया किसके, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और थीटा मतलब, थीटा मतलब कितना, थीटा मतलब ये। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमें पहला फॉर्मूला मिल गया साइन इनवर्स की फॉर्म, ठीक है। करें इस दूसरे को, करते बच्चे मैंने तो करनी है। इसका कौन सा फॉर्मूला लगाए, कॉस का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। तो कॉस 2 थीटा का लगाइए, आपने अब आगे देखा तो आगे 2 2 2 है ना, तो यहां जो है कॉस, तो कॉस 2 थीटा का, अगर यहां 3 के फॉर्मूले आएंगे अभी आके आएंगे तो मल्टीप्लाई यहां 3 होगा तो हम कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा, टेन 3 थीटा, मतलब 3 वाले फॉर्मूले लगाएंगे। यहां पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ये होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। इसके बाद यही काम करना है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, cos 2 थीटा 1 minus x square upon 1 plus x square। और 2 थीटा कितना आया बच्चों, cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। और थीटा की जगह कितना आएगा, tan इनवर्स x, मिल गया। थर्ड का प्रूफ आपके लिए छोड़ दिया, अब करके देखिए फटाफट किसका फॉर्मूला क्या होगा, tan 2 थीटा का कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है, इसको कीजिए फटाफट। वैसे प्रॉपर्टी नंबर 10 11 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 में अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी में हमने 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले पढ़े, तीनों फॉर्मूले पढ़े,
साइन के फॉर्म में, कोस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स। अब हम इसमें दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर टेन में। कौन कौन से फॉर्मूले? एक फॉर्मूला है टू साइन इनवर्स एक्स और एक फॉर्मूला है टू कोस इनवर्स एक्स। इन दोनों के एक एक के फॉर्मूले होते हैं। अब आप बड़े खुश होगे, चलो किसी के तो फॉर्मूले कम हुए, वरना टू टेन इनवर्स एक्स ने तो रैली बना दी थी, तीन तीन साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में। इनके अपने एक एक फॉर्मूले। टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स के लिए टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, और टू कोस इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स टू एक्स के लिए माइनस वन। ये खुद के ही फॉर्म में होते हैं, टू साइन इनवर्स में, टू कोस इनवर्स में। अब जान लेते हैं कि ये कैसे आ गए, इसका प्रूफ जान लेते हैं बच्चे। इसके प्रूफ के लिए यस बताइए किसका फॉर्मूला लगाएंगे? यहां जो है साइन इनवर्स नहीं, साइन और जो यहां इसके आगे साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन टू थीटा का फॉर्मूला अब टेन के फॉर्म में नहीं, क्योंकि टेन इनवर्स में नहीं चाहिए इसको, साइन इनवर्स में चाहिए। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, जो क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। बच्चे अब हम पुट करेंगे, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा आएगा हमारा कितना? साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे आपका साइन टू थीटा कितना बन गया? टू साइन थीटा एक्स है, और अगर साइन थीटा एक्स है तो बच्चे कोस थीटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहां से टू थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चे थीटा की जगह हम क्या कर देंगे? साइन इनवर्स एक्स। तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये पूरा बन गया ना जो चाहिए था आपको। ये डायरेक्ट याद भी रखने हैं, एज वेल एज अगर आप भूल जाए मतलब प्रूफ तो याद रखना ही रखना है, ठीक है? प्रूफ तो इनका आना ही चाहिए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एक्सरसाइज में। जब आप इनके प्रूफ एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ये ना समझिए प्रूफ नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं इन प्रूफ करने की जो आप हैबिट डालोगे इस पे ही बेस्ड आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। पता है समझ में? यहां पर ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे। अब कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, किसके फॉर्म में लगाएंगे? टू कोस इनवर्स, तो कोस की फॉर्म में लगाएंगे, जो होता है टू कोस के थीटा माइनस वन। बच्चे इसके बाद आप खुद से करें, कोस थीटा को एक्सपुट करेंगे अपने आप प्रूफ आएगा, ठीक है? इस प्रॉपर्टी में ये तो प्रॉपर्टी नंबर 11 में तीन फॉर्मूले हमारे पास, थ्री साइन इनवर्स, थ्री कोस इनवर्स, थ्री टेन इनवर्स। आप सब देख सकते हो थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, और थ्री कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ये पहले और ये बाद में, फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, और थ्री टेन इनवर्स एक्स कितना होगा? टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स। जानते हैं कैसे आ गए, भूल गए तो भी निकाल दोगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, किसका फॉर्मूला लगाएंगे? यहां पे साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कौन से एंगल के लिए? यहां थ्री है तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। किसके टर्म में? साइन इनवर्स है तो साइन की टर्म में। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। इससे फायदा यह है, जो हम इसके साथ साथ जो हम प्रूफ कर रहे हैं ना बच्चे, इससे फायदा यह है आप साथ साथ इलेवन की ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है? ये आपके सामने बार बार आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि रिदम बनेगी, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी आपको। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा इक्वल आया थ्री एक्स
माइनस फोर एक्स क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, और बच्चे यहां से 3 थीटा इक्वल आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, थीटा की जगह यहां से क्या आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स x, तो बन गया फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x, थीटा कितना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैं आपसे छोड़ देता हूं, आप प्रूफ करके देखें। इसके लिए फॉर्मूला किसका लगाओगे, कोस 3 थीटा, तो बच्चे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, क्या करेंगे कोस थीटा को एक्सपुट कर लेंगे, कोस थीटा एक्सपुट कीजिए अपने आप फॉर्मूला निकल कर। इसके लिए किसका फॉर्मूला, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, बच्चे tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा को एक्सपुट करें तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x के लिए मिलेगा, और जब tan थीटा को एक्स पुट करोगे तो थीटा कितना, tan इनवर्स x, ये यहां tan इनवर्स बनेगा और 3 थीटा बचेगा, थीटा की जगह आएगा tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अंडरस्टैंड हो पा रहा है ना, आप लिंक कर पा रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिंक कर दो बच्चों, फेविकोल का मजबूत जोड़ छूटेगा नहीं, छूट रहा है नहीं छूटेगा बच्चों, ठीक है लिंक करो, सारे फॉर्मूले आते चले यहां तक कीजिए, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है फिर अपने प्रॉपर्टी का ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टी का काम, ठीक है कीजिए बच्चे, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत से क्वेश्चंस में होगा, इसमें जो बेसिकली हम जान रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को एक दूसरे में चेंज करने का नियम रूल पढ़ रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, अगर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स बनाना हो तो क्या फॉर्मूला है, अगर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स बनाना हो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके आएगा, अगर साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाना हो, अच्छा पहले मैं ये बताता हूं कि ये कैसे बात है, आप है ना साइन के साथ इस डोमेन को पकड़ लो, डोमेन क्या है एक्स, और x फ्रॉम एक्स वाई वन कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट पे चलिए, ठीक है इस x अपॉन वन साइन के साथ जो डोमेन x अपॉन वन, तो ये क्या है p by h, साइन आपका p by h होता है ना, तो p कितना x, h कितना वन, तो बच्चे ये जो बेस है ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, अब जब इससे हम कोस इनवर्स बनाएंगे तो कोस इनवर्स के साथ जो डोमेन आएगी वो b बाई एच होगी ना, b अपॉन एच, तो दिस अपॉन दिस बन गया जी, अब tan इनवर्स में बनाए तो यहां से हेल्प ले सकते हो, या tan इनवर्स के लिए का और भी आसान हो गया, tan इनवर्स के लिए जो डोमेन होगी वो साइन अपॉन कोस होगी ना, साइन अपॉन कोस, साइन की डोमेन अपॉन कोस की डोमेन, टेन की डोमेन आ गई एक्स अपॉन दिस, तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस अपॉन दिस, अब अगर मुझे ये सारा काम चल रहा है इसके लिए साइन इनवर्स एक्स के लिए, अगर साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करता हो तो टेन की जो टेन के साथ डोमेन है उसका रेसिप्रोकल अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर इसको चेंज करना हो किसमें कोसेकेंट इनवर्स में, तो साइन की डोमेन है उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स, और इसको चेंज करना हो सीकेंट इनवर्स में किसको साइन इनवर्स को, तो कोस की जो डोमेन है उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, समझा। अब जो मैंने एक आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं बताई थी बच्चों, उस फिफ्थ प्रॉपर्टी में है ना ये रिजल्ट है कि साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं,
ठीक है, अभी बताता हूं। तो सेकंड हम लेके चल रहे हैं कोस इनवर्स एक्स का नंबर है बच्चे। कोस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में चेंज करना हो, चलेगा इसी पे ठीक है। कोस इनवर्स की डोमेन देखो एक्स अपॉन वन, तो ये कितना होगा बी बाई एच, मतलब इस बार ये एक्स है और ये वन, इस बार ये जो आएगा ये अंडर रूट वन माइनस एक्स ये होगा। तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करें तो कितना आएगा दिस अपॉन दिस, मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स के, फटाफट सारे हो जाएंगे। अगर इसको टेन इनवर्स में चेंज करें इसको कोस इनवर्स को, तो साइन अपॉन कोस मतलब ये अपॉन ये, अंडर रूट वन माइनस एक्स के अपॉन एक्स। अगर इसको कोस इनवर्स में चेंज करें तो इसका रेसिप्रोकल एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम सीकेंट इनवर्स में चेंज करें तो इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स, और अगर इसको कोसेकेंट इनवर्स में चेंज करें तो साइन का रेसिप्रोकल, इस वाले डोमेन का रेसिप्रोकल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। प्रॉपर्टी फिफ्थ में एक तो रिजल्ट ये दिया हुआ है, एक रिजल्ट ये दिया हुआ है कि कोस इनवर्स एक्स को सीकेंट इनवर्स वन अपॉन एक्स कह सकते हैं, तो उस फिफ्थ को मैंने यहीं पे बता दिया आपसे। और लास्ट हम डिस्कस कर रहे बच्चों टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को अगर चेंज करना हो इन वेरियस ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो कैसे करें, फिर अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं। इस बार एक्स की डोमेन को टेन इनवर्स की डोमेन को पकड़ते हैं एक्स अपॉन वन, मतलब पी बाई बी, पी कितना एक्स बी कितना वन, तो बच्चे ये इस बार कितना आएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको किस में चेंज करें साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा पी बाई एच, पी बाई एच आई मीन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स को चेंज करेंगे कोस इनवर्स में, तो कोस इनवर्स के लिए कितना होगा बी बाई एच आई मीन वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इस टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करें तो कितना होगा वन अपॉन एक्स, इसको चेंज करें कोसेकेंट इनवर्स में तो इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको चेंज करें सीकेंट इनवर्स में तो इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर्टी नंबर 12 है, अब देख पा रहे हो ठीक है, सारा सब कुछ एक दूसरे में चेंज कर देगा। तो यहां तक हमने कुल मिलाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रॉपर्टीज यूज होगी वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे बच्चे, तब तक आप इन सारी प्रॉपर्टीज को विद प्रूफ ठीक है आप फिर नोटबुक में नोट कीजिएगा। आउटपुट बच्चे आप देते रहें कितना आप कर रहे हैं, कहां तक आपने काम कर लिया है, और डाउट्स का सिलसिला बच्चों चलता रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चन एग्जांपल कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बच्चे हम तैयार हैं हम उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में, ठीक है, नमस्ते बच्चों।